यहाँ सब पीड़ित हैं। मतलब ऐसा कोई घर नहीं है जिस घर में यहाँ मरीज पेशेंट ना हो। पैदाश के वक्त ये बिल्कुल ठीक था, जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ती गई इसकी हड्डियों में टेढ़ापन आता चला गया। हमने डॉक्टरों को दिखाया तो डॉक्टरों ने बहुत टेस्ट करे, किसी की समझ में कुछ नहीं आया इसको क्या बीमारी, किसी टेस्ट में ना कोई बीमारी आई, खाली विटामिन डी बता दिया है किसको देते रहो, वो भी हमने उसको दी, उसको कुछ रिलीफ नहीं मिली। सबने डॉक्टर ने लास्ट में ये कह दिया भाई थारे यहाँ का पानी खराब है, उस पानी की वजह से सब ऐसा हो रहा है। गाँव हमारा गाँव मनोली है, जिला बागपत है। बागपत की दूरी दिल्ली से केवल 40 किलोमीटर और हमारे गांव की दूरी 75 किलोमीटर। मेरा नाम धर्मेंद्र राठी है। 2010 से 2015 तक मैं इस गांव का प्रधान रहा। अब जो हमारी यहाँ की जनता है लगभग 7,500 की आबादी है और इस आबादी में एक भी परिवार स्वस्थ नहीं है। हर परिवार में तो कोई ना कोई बीमार है। पहले तो बड़े बुजुर्ग थे तो गठिया पाओगा, उसके पैर से चले जाता, उस पर जवान पाओगा तो एलर्जी पाओगी, उसके मीडियम से पाओगा तो कैंसर पाओगा। उसके जो छोटे बच्चे पैदा हुए वे पानी अपंग हो जाए, नया है पैदाइश ही बेचारी। बनने आज ही पैदा हुई जी तो नॉर्मल बच्चे की तरह ही हुई थी, वजन भी ठीक था, कोई ऐसी बात नहीं थी। वो तो बाद में ही जाकर फिर जी भी इसका विकास हो गया हो जी, पता लगा भाई इसमें कुछ कमी है। देसी भी अंग्रेजी भी दिल्ली भी टेस्ट करवाए 2-3 बार जाकर, कोई कुछ बताता रहा, अपने अपनी रिपोर्ट देते वो कोई दिमाग में कमी है, कोई पाँव में कमी है, किसी ने कुछ बता किसी ने कुछ बता। 9-10 साल लोग हमने इसका इलाज करवाया, 1% भी इसका हमें आराम नहीं लगा। तकलीफ तो सारी तकलीफ ही है ना, लैट्रीन कर सकते अपने आप, ना पेशाब कर सकती, दूसरे आदमी चाह 1 मिनट भी हम खाली नहीं छोड़ सकते दूसरे आदमी बिना। पास में कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी में हम भी नहाए, हम भी गए। पानी बहुत साफ स्वच्छ पानी था, बिल्कुल अगर इसमें सिक्का भी डाल देते तो वो भी दिखाई देता था। और आसपास में खरबूजे पलेज ये बहुत होते और अब इसका पानी लगभग 20 साल से इतना ख़राब हो गया, बिल्कुल काला। अगर इसमें कोई हाथ धो ले तो चिपचिपे हो जाएंगे, उनकी जन बीमारी हो जाएगी। तो सबसे जो बड़ी समस्या दिखाई दी हमें पानी की समस्या दिखाई दी। पानी पीने का पानी बहुत दूषित हो चुका था, प्रदूषण से और फैक्ट्री से, इनसे कचरा जो नदी में बहा कचरा आ गया। तो अपने लेबोरेटरी में पानी की जांच कराई, पानी में इतनी कमी बताई, इतनी कमी उन्हें डॉक्टर सुंदर कर कमी से पी रहे, वहाँ से पी रहे, कलर से बिल्कुल बंद कर दिया। रिटायरमेंट के बाद मैं अपने गांव गया तो जो कृष्णा नदी और हिंडन नदी इनके पुलों से जब मैं गुजरा तो एक पानी का सैंपल लिया, वहाँ से देखा कि बिल्कुल काले रंग का केमिकल युक्त पानी था। उस सैंपल को मैंने भारत सरकार से अप्रूव्ड लेबोरेटरी को दिल्ली में भेजा, उसकी जांच कराई। जांच में पाया गया कि ये पानी ना होने के बजाय एक रसायन युक्त घोल है और इसमें पानी के कोई भी अवयव ऐसे नहीं है कि जो पीने लायक हों, और इस पानी के अंदर जो हैवी मेटल्स हैं, भारी तत्व और दूसरे जो केमिकल्स मिले वो सैकड़ों गुना ज़्यादा थे। और इसके साथ साथ पीने के पानी के ट्यूबवेल के और नलकों के भी सैंपल लिए और उस समस्या को कोरिलेट किया, क्योंकि जो तत्व नदियों में थे वही तत्व सीपेज होकर हैंडपंप और ट्यूबवेल्स में भी परकोलेट हो गए। पानी से यहाँ से सबसे गंभीर समस्या तो कैंसर की, कैंसर के बहुत मरीज हो गए हमारे यहाँ में। लगभग 8-9 साल में कम से कम 150 आदमी कैंसर से एक्सपायर हो चुके। अफसोस होता है सुन के कि एक ही घर में, एक ही परिवार में 4 लोग कैंसर से पीड़ित होकर उनकी डेथ हो गई। और जब दादी मेरी को दिक्कत हुई उल्टी और दस्त, ये दोनों दिक्कत बनी। रिपोर्ट आई तो कैंसर, 4 दिन ही पकड़ा उनको, वो एक्सपायर हो गई। उससे बाद में मेरी ताई जी को ना ब्रेस्ट में कैंसर हुआ, उसको थोड़ी सी गांठ बनी, उसका ऑपरेशन हुआ, फिर पित्त की थैली का, फिर बच्चादानी का, आखिर माँ के सारे शरीर में इतनी मोटी मोटी गांठ होकर वो मर गई। और 2 साल बाद में फिर मेरी ताऊ जी, सही 2 साल बाद में उसको भी, उसको गले से था। फिर बाद में पता चला, सारी डॉक्टरी हुई इसकी, वहाँ पे मेरठ में लेकर गए। मेरे भाई फौजी है ना, तो एमएच में लेकर गए, वहाँ पर जाकर उसके फेफड़ों के नीचे काफ़ी बड़ा कैंसर का इशू बना पाया। तो 1 महीना बाद में वो एक्सपायर हो गए। दूसरी बार, तीसरी, चौथी बार मेरे बाबा जी की भी यही दिक्कत थी। उन्होंने तो 2 महीने पहले खाना पीना छोड़ दिया था। मेरा नाम ओम सिंह है जी। मेरे मुँह के अंदर कैंसर हुआ, और कैंसर अंदर से सुराख सा हुआ, वो बढ़ता चला गया। फिर ये नीचे एक गांठ बनी। गांठ बनने के बाद मैं डॉक्टरों के पास पहुंचा। डॉक्टर ने इसको कैंसर घोषित किया। ये पूरा चेहरा जहाँ तक कैंसर था, 3 पीस में इसको निकाला। पहले पीस में पूरा कैंसर, दूसरा पीस निकाला, वो भी कैंसर से पीड़ित, तीसरा जो किया पूरा का पूरा निकाल दिया, वो कैंसर रहित मिला। उसके बाद मेरी छाती में से गोश्त निकाल के, और सर्जरी वालों ने इसको सर्जरी किया। ये आधी ठुड्डी और इस साइज की जो हड्डी है जिस पर दांत रहते हैं, वो जबड़ा वबड़ा सब साफ हो गया, कुछ नहीं रहा। पानी प्रदूषित जो हुआ, जो ये कारखाने बढ़ाए गए सरकार ने, जो उनके हम तरक्की कर ली, तरक्की से हुआ। पेपर मिल का पानी, जो गंदा पानी जो मिले, शुगर फैक्ट्री का पानी आवे, इनसे हुआ। ये शुगर फैक्ट्री लग रही, प्लांट लग रहा साफ करने का, साफ वे करते हैं नहीं, साफ करने में उनकी लागत ज़्यादा आवे, वे हमने बंद रखे हैं। उन प्लांट तो लगा लिए सरकार ने, दवा में तो लगा लिए, साफ करने का हमने साफ करे, लेकिन आवे उन्होंने वैसे ही, उधर कोई जांच टीम आवे, उधर में दिखा दे हमारा तो प्लान लग रहा है। सरकार तो कहती है कि ये बीमारी जो आपकी समस्या है या पानी से नहीं है, मगर और कहीं से है, कह तो नेचुरल है, आम बीमारी चल रही है। जब डॉक्टर के पास जा तो कुछ है, पानी तो ठीक होगा, मगर जो पानी में ये कमी है, तो कह लेगा फिर ये कमी पानी से ही है, ये ठीक नहीं होनी, पहले पानी ठीक करो। ये बताओ कौन सी की मानना है जी, हम सरकार की मानना है, डॉक्टर की मानना? जिस पानी में गंधक कोपर ये आ जाते हों, बताओ उन्हें पी के आदमी बचेगा क्या? जिस पानी में कोई जीव ना जिंदा रह सके, उस पानी को पियोगे बचेगा क्या? ने इसकी आवाज़ उठाने के लिए 2012 में एनजीटी के पास गई। एनजीटी इसका इलाज है, वह सरकार पर नियंत्रण वही रखे। हमें पता लगे, हमने डीएम को, एसपी को बहुत वो करी, मगर यहाँ का पानी खराब है, लेकिन किसी ने कुछ नहीं। मुख्यमंत्री तक भी फैक्स भेजे, एफिडेविट झूठे दे रहे हैं, कह रहे हैं जल निगम की पानी साफ है। उत्तर प्रदेश पोल्यूशन बोर्ड एफिडेविट दे रहा है कि सब फैक्ट्रियों से साफ पानी निकलता है, फिर भगवान ने छोड़ दिया इसमें गंदा पानी। एनजीटी ने वहाँ जाँच टीम भी आई, कई बार आई, देखा भी, उन्होंने बताया हाँ आपकी समस्या गंभीर है। उसके बाद में एनजीटी ने आदेश कर दिया यूपी सरकार को कि इस इलाके को पीने का पानी साफ मुहैया कराया जाए। उसमें लड़ाई लड़ते फिर आखिरी में पीछे टंकी मंजूर करी सरकार ने। यहाँ अब भी हुआ जो कि तू है, कारण टंकी लगी नहीं पूरी। टंकी लग जा तो उसका पानी सही संचालन नहीं होता, सभी जगह नहीं मिलता, फिर जब अंदर बाढ़ चला लगे, यह है कभी। मैं एक छोटा सा किसान आदमी हूँ, ज़्यादा पैसा मैं भी खर्च नहीं कर सकता। थक हार गए, जब कहीं सा कोई भी आराम नहीं मिला, सबने डॉक्टर ने लास्ट में ये कह दिया भाई थारे यहाँ का पानी खराब है, उस पानी की वजह से सब ऐसा हो रहा है, आपको ये पानी चेंज करना पड़ेगा। अब ये बताओ हम यहाँ से घर जमीन बेच के कहाँ पे जाए? तो लास्ट में आगे मैं भी थक हार के पैसे की तरफ से भी बैठ चुका हूँ और मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। करीबन अब से 1.5-2 साल पहले यहाँ से जितने भी ये बीमार आदमी हैं सबको हमारे ब्लॉक बिनोली में लेकर गए थे डॉक्टर, और वहाँ से हमारे सब फर्जी टेस्ट करके, इन बच्चों के सब फर्जी टेस्ट कर कर वो रिपोर्ट लगा दी वहाँ पे कोर्ट में कि ये सब सही है, जबकि आज तक किसी की रिपोर्ट हमको किसी को नहीं बताया गया तुम्हारी रिपोर्ट में क्या आया क्या नहीं आया, जबकि वहाँ पे कोर्ट में सब फर्जी रिपोर्ट लगा दी गई। अगर कोई भी मंत्री डॉक्टर ये कहता हो कि यहाँ पे सब स्वस्थ है, पानी ठीक है, कोई भी डॉक्टर ये बोलता है तो वो हमारे बीच में रह के 1 हफ्ता ये पानी पी कर दिखाए, जिस जहर को हम दिन रात पी के मर रहे हैं।